Hello, my dear friends. A very good evening to all of you. Welcome to Online Ventures by Examapur. मैं हूं जुबैर हिसानी और आज एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है आपका एनिमल किंगडम, जहां से काफी परेशानियां होती हैं अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो, और काफी बोर लगता है लोगों को, बोरिंग टॉपिक और समझ में नहीं आता। तो बिल्कुल हम लोग आराम आराम से पूरा एनिमल किंगडम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, चाहे वो 2 घंटे में हो, चाहे वो 2.5 घंटे में हो, चाहे 1.5 घंटे में खत्म हो जाए। तो पूरा एनिमल किंगडम हम चलेंगे 9th to 11th लेवल तक। 9th में पढ़ना है क्लासिफिकेशन और फिर 11th क्लास में आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो 9th to 11th हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स को। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए और जो लोग लाइव आ चुके हैं वो जल्दी से कमेंट कर लें। तो एनिमल किंगडम से अगर क्वेश्चन होगा तो बन ही जाएगा, ये मान के आप चलिएगा। सत्यम हमारे बीच आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, सारे लोग जल्दी से आ जाओ। एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है आप लोगों का, और एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन रहता ही रहता है और अक्सर लोग गलत सलत वो क्वेश्चन करके आ जाते हैं। जैसे अभी जो हमारा 8 अगस्त को एग्जाम हुआ था एफकैट, उसमें भी क्वेश्चन थे, वो भी नहीं बन पाया था लोगों से। अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राधिका कुशवाहा हमारे साथ हैं, हिमांशु यादव हैं, अभिज्ञान तिवारी साहब हैं। तो 7 दिन और 7 टॉपिक, ऐसे ऐसे टॉपिक जिसमें अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को। तो बहुत बेसिक से हम शुरू करेंगे और हम एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो 9th to 11th हम लोग बात करने वाले हैं। बुक हम कौन सी फॉलो कर रहे हैं? एनसीईआरटी। सारे डायग्राम वगैरह सब एनसीईआरटी से ही हम लिया है, क्लासिफिकेशन जो लिया है वो सब एनसीईआरटी से लिया है। अभिजीत हमारे साथ आ चुके हैं, स्वागत है अभिजीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के टॉपिक का। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो हम आराम आराम से इसको पढ़ेंगे, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बने रहिएगा हमारे साथ, कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की हायरार्की देख लेते हैं। सबसे पहले आप किसी जंतु के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं कि भाई वो किस किंगडम से बिलोंग करता है। जैसे 5 किंगडम है ना, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, है ना, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमलिया जिसको एनिमल किंगडम कहते हैं, और किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वो किस किंगडम से बिलोंग करता है। किंगडम के बाद हम देखते हैं कि वो किस फाइलम से बिलोंग करता है। एनिमल के लिए हम टर्म यूज करते हैं फाइलम और प्लांट के लिए यूज करते हैं डिवीजन। तो किस किंगडम से बिलोंग कर रहा है और किस डिवीजन से, अगर प्लांट है तो डिवीजन और एनिमल है तो किस फाइलम से बिलोंग करता है। फिर देखते हैं कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, उस फाइलम के किस क्लास से, किस वर्ग से, और फिर किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, फिर किस कुल से, किस फैमिली से बिलोंग करता है, और किस वंश से बिलोंग करता है, और फिर वो किस जाति से बिलोंग करता है। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन का क्या हो गया, हायरार्की हो गई। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन की इकाई क्या है, बता दो। एके वर्मा जल्दी बताइए, सुजीत सिंह बताइए, क्लासिफिकेशन की जो इकाई है वो कौन सी है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज, जाति। किस जाति का है, उसके बाद देखते हैं कि किस कुल का है, सॉरी किस वंश का है, जीनस मतलब क्या होता है वंश, फिर किस फैमिली का है, किस कुल का है, किस ऑर्डर का है, उसके बाद किस वर्ग का है, किस फाइलम का है, और फिर किस किंगडम से बिलोंग करता है। क्लियर है? तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ हमारा स्पीसीज यानी जाति, यह है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब अगर बात करते हैं किंगडम एनिमलिया की, तो एनिमल किंगडम को डिवाइड करने का, बिल्कुल अभिजीत आपका उत्तर सही है, किंगडम एनिमलिया को किन किन आधार पे डिवाइड किया गया है, एनिमल किंगडम में किसको रखा गया है, सारे एनिमल्स को रखा गया है, किंगडम एनिमलिया में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, जंतुओं को रखा गया है, बहुकोशिकीय जंतुओं को किसमें रखा गया है,
किंगडम एनिमलिया में। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि भाई उस एनिमल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब वो सेलुलर लेवल का है या टिश्यू लेवल का है या ऑर्गेन लेवल का है या ऑर्गेन सिस्टम लेवल का है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले देखेंगे कि अगर उनका शरीर सिंपल कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है तो उसको हम पॉरीफेरा में रख देंगे। सेलुलर लेवल है यानी बॉडी में बस कोशिकाओं का समूह है, ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर एक शरीर बना लिया है, कोशिकाएं मिलकर टिश्यूज नहीं बनाई है, उत्तक नहीं बनाई है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है कि सेल मिलकर अगर टिश्यू बना लिया है, टिश्यूज मिलकर ऑर्गेन बना लिए हैं और ऑर्गेन भी मिलकर ऑर्गेन सिस्टम बना लिए हैं, जैसे हम लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हम लोगों में ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा है सिमेट्री के आधार पे हम फिर देखेंगे कि बॉडी उसका रेडियल सिमेट्रिकल है कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, और ये सममित है कि द्वि पार्श्व सममित है। ये सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है, सममिति क्या होती है, तो हम पहले देखेंगे संगठन के स्तर की कोशिकीय स्तर का है कि उत्तक स्तर का है कि अंग स्तर का है कि अंग तंत्र स्तर का है। उसके बाद देखेंगे उसकी सममिति क्या है, मतलब सिमेट्री क्या है। रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी वो बॉडी होती है जिसको हम कई भार बराबर बराबर भागों में बांट दें, तो एनिमल की वैसी बॉडी हो जिसको हम कई बार बराबर बराबर भागों में बांट दें, ऐसी बॉडी को हम रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी कहेंगे। जैसे हमारा स्टारफिश, स्टारफिश की बॉडी क्या होगी, अरिये सममित कहलाएगी, रेडियली सिमेट्रिकल, कई बार आप इसको बराबर बराबर भागों में बांट सकते हो। हाइड्रा की बॉडी, हाइड्रा की बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी वो बॉडी होती है, वो बॉडी होती है जिसको हम सिर्फ एक ही बार बराबर बराबर भागों में बांट सके। जैसे हम लोगों की बॉडी क्या कहलाएगी, बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी। ये देखो हमने एनसीईआरटी 11th क्लास की बायोलॉजी से काट कर यहाँ पे चिपकाया है, तो सीधा हम डायरेक्ट चल रहे हैं 11th लेवल से। तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, तो देखो अगर शरीर कोशिका का बना हुआ है, कोशिका ने मिलकर उत्तक नहीं बनाया, बिल्कुल सिंपल शरीर है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका एक फाइलम अलग से बना दिया गया, पॉरीफेरा। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि पॉरीफेरा के जंतुओं का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, तो बोलिएगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसमें पॉरीफेरा ये पहला फाइलम बना दिया गया। लेकिन अगर सेल ने मिलकर टिश्यू बना लिया है, ऑर्गेन बना लिया है, ऑर्गेन सिस्टम बना लिया है, तो उसके लिए हम लोग अलग से देखेंगे कि अगर टिश्यू लेवल है, ऑर्गेन लेवल है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल है, तो फिर देखेंगे कि बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल है कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। अगर बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल है तो उसको दो फाइलम में बांटा गया है, एक है सिलेंट्रेटा और दूसरा है टीनोफोरा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिलेंट्रेटा के जंतुओं का शरीर रेडियली सिमेट्रिकल होगा कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगा, तो आप कहना, याद रखना कि रेडियली सिमेट्रिकल वाले जो जंतु हैं उसका दो फाइलम बनाया गया, एक सिलेंट्रेटा जिसको निडेरिया कहते हैं और दूसरा फाइलम हमारा टीनोफोरा है। अब अगर बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल है तो फिर बॉडी कैविटी के आधार पर या सिलोम के आधार पर भी डिवाइड किया गया है। अगर बॉडी कैविटी नहीं है, जैसे हम लोगों के अंदर बॉडी कैविटी है और उसके अंदर सारा ऑर्गेन रखा हुआ है, सिस्टम रखा हुआ है, तो बॉडी कैविटी नहीं है जिसको हम ए सेलोमो, बॉडी कैविटी को हम लोग सिलोम भी बोलते हैं, मतलब ए सेलो सिलोमेट कहते हैं, ए मतलब एब्सेंट, सिलोम मतलब बॉडी कैविटी, देह गुहा अनुपस्थित है, तो ऐसे जंतुओं का बॉडी कैसा है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, और कैसा है, बॉडी कैविटी नहीं है, तो एक फाइलम बना लिया गया इसके लिए, प्लेटी हेलमिंथिस फ्लैट वर्म्स। बॉडी कैविटी ट्रू नहीं है, फॉल्स बॉडी कैविटी है, तो उसके लिए बना लिया गया एस्केलमेंथिस जिसको राउंड वर्म कहते हैं, और ट्रू बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी मौजूद है, तो इन सभी को रखा गया है अलग अलग फाइलम में, एनेलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकैनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा।
तो मतलब एनेलिडा से लेकर कॉर्डाटा तक सब में ट्रू बॉडी सिलोम होगा, बॉडी कैविटी होगी। एस्केल्मेंथिस में फॉल्स बॉडी कैविटी होगी, प्लेटी हेल्मिंथिस में बॉडी कैविटी होगी ही नहीं। तो किन किन आधार पर बांटा गया है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, सिमेट्री के आधार पर, बॉडी कैविटी के आधार पर अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो अब ये मैं नहीं बताने वाला, जब भी प्लेटी हेल्मिंथिस मैं लिखूंगा तो ये नहीं बोलूंगा कि इसका बॉडी बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है और इसमें देह गुहा नहीं होती, सिलोम नहीं होता, ये यहीं पे मैंने बता दिया है। स्केल्मेंथिस में बोलूंगा तो वहां पे मैं नहीं लिखूंगा कि इसका बॉडी बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है और इसमें फॉल्स सिलोम होता है, सूडो सिलोमेट कहते हैं इसको, सूडो मतलब फॉल्स, सिलोम मतलब बॉडी कैविटी। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकैनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, कॉर्डाटा के पास ट्रू सिलोम होगा, बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो एनिमल किंगडम को अगर मैं मोटा मोटी बात करूं, आपके लेवल पे बात करूं, नीट के लेवल को छोड़ दूं, तो किंगडम एनिमलिया को कितने फाइलम में बांटा गया है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ग्यारह फाइलम में डिवाइड किया गया है, 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है किंगडम एनिमलिया को। तो प्राणी जगत जिसको एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमलिया कहते हैं, उसको निम्नलिखित संघों में मतलब 11 संघों में विभाजित किया गया है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा जिसको निडेरिया भी कहते हैं, टीनोफोरा, प्लेटी हेल्मिंथिस, एस्केल्मेंथिस जिसको निमेटोडा भी कहते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकैनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा। तो हम यहां से यहां तक जो फाइलम है इसको नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉन कॉर्डेट्स। और कॉर्डाटा के जंतुओं को हम लोग कॉर्डेट्स बोलेंगे, क्यों बोलेंगे आगे समझ में आएगा। तो एक एक करके सारे फाइलम और उसके जंतुओं पे हम नजर डालेंगे, जंतुओं पे नजर डालेंगे। सबसे पहला जो है फाइलम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, पॉरी का मतलब क्या? पोर बियरिंग एनिमल्स। पॉरीफेरा के जंतुओं के बॉडी पर ढेर सारे पोर्स होते हैं, दे हैव मेनी पोर्स ऑन देयर बॉडी, That's why they are called porifera, that is pore bearing animals. Body पे असंख्य छिद्र होते हैं। तो इस संघ के जंतुओं की विशेषता क्या है कि इनके शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं, इसीलिए इसको porifera कहते हैं। और porifera के जंतुओं को हम स्पंज बोलते हैं। बॉडी कैसा होगा? मल्टी सेलुलर होगा। और कैसा लेवल होगा? सेलुलर लेवल होगा, मतलब बॉडी में बस कोशिकाओं का समूह है, ढेर सारे सेल मिलकर एक बॉडी बना लिया, लेकिन सेल मिलकर टिश्यू नहीं बनाया है। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये अधिकतर समुद्रीय होंगे और इनमें वाटर केनाल सिस्टम पाया जाएगा। वाटर केनाल सिस्टम मतलब एक मेन होल रहेगा जिससे वाटर एंटर करेगा और बाकी सारे होल से बाहर निकलेगा, यह है वाटर केनाल सिस्टम। तो वाटर केनाल सिस्टम इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉरीफेरा का। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल हो गया साइकॉन जिसको स्काइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला जिसको फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, यू स्पंजिया जिसको बाथ स्पंज कहते हैं, यू प्लैक्टिला, ये देखो यू प्लैक्टिला है, उसका झुंड है यू प्लैक्टिला का, इसको वीनस फ्लावर फ्लावर बास्केट कहते हैं। और यू प्लैक्टिला को वीनस फ्लावर बास्केट बोला जाता है और इसका इसको जो है वो जापान में मतलब शादी विवाह में उपहार स्वरूप गिफ्ट के तौर पे देते हैं। तो यू प्लैक्टिला एक स्पंज है जिसको हम वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, फूलों की टोकरी, वीनस फूलों की टोकरी भी कहा जाता है और जापान में से शादी विवाह के मौकों पर उपहार स्वरूप दिया जाता है। क्योंकि होता क्या है, ये जो यू प्लैक्टिला है, इस तरह का स्पंज होता है बिल्कुल यू प्लैक्टिला, इसके अंदर ये जो श्रिम्प है मतलब झींगा जिसको कहते हैं, श्रिंक की जोड़ी आ जाती है यहाँ पे, पेयर में एक मेल और एक फीमेल। और जब ये ग्रो करते हैं तो फिर ये इतने बड़े हो जाते हैं कि ये इससे बाहर नहीं निकल पाते।
तो ये जो पेयर होते हैं श्रिम्प के, वो आते तो हैं अंदर और फिर ये भोजन इसमें ग्रहण करते हैं, और इसका जब साइज बढ़ता है तो इससे ये बाहर जा ही नहीं पाते। तो जिंदगी भर ये मेल और फीमेल इसी के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो ये सिंबॉल होता है जापान में यूप्लैक्टिला को, मतलब साथ जीना साथ मरना वाला एक सिंबॉल माना जाता है। अब इसमें ये रिप्रोडक्शन करेंगे, इसके जब बच्चे होंगे तो वो साइज में छोटे होते हैं तो वो इससे बाहर आ जाएंगे, फिर दूसरे वीनस फ्लाई यूप्लैक्टिला में जाकर वो भी पेयर में रहना शुरू कर देंगे। तो इसे उपहार स्वरूप दिया जाता है, कहाँ पे? जापान में दिया जाता है, यह है यूप्लैक्टिला। तो क्वेश्चन पूछा गया कि यूप्लैक्टिला इज अ सिंबल ऑफ यूनियन टिल डेथ, जीना मरना संग संग, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथ ही मरते दम तक। तो ये मरते दम तक साथ क्यों नहीं छोड़ रहे, इनकी मजबूरी हो गई, ये बाहर ही निकल नहीं पाते तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि चलो एक साथ हम लोग रह लेते हैं जीवन भर, और वहीं उसकी डेथ फिर उसमें हो जाती है। तो जिंदगी भर वो लोग साथ रहते हैं जब तक वो मर नहीं जाते, इसीलिए इसका इस्तेमाल जापान में उपहार स्वरूप दिया जाता है। तो यूप्लैक्टिला को सिंबल माना जाता है यूनियन टिल डेथ, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वो साथ ही मरते दम तक। क्यों? इट्स बेसल रूट टफ एंड अपर पार्ट सिंबलाइज द टू सेक्सेस, इट्स लिव्स इन अ कॉमेंसल रिलेशनशिप विद सर्टेन श्रिम्प। यही है रिलेशनशिप। तो ये जो स्पंज है इसमें यंग पेयर ऑफ श्रिम्प एंटर्स, ये जो श्रिम्प के यंग पेयर है वो एंटर करते हैं, एंड दे ग्रो इनसाइड, अंदर में इनसाइड करेंगे, बट आफ्टर देयर ग्रोथ दे आर अनेबल टू एस्केप और एग्जिट द स्पंज। जब इनका साइज बढ़ता है तो ये बाहर निकल नहीं पाते, एज अ रिजल्ट द श्रिम्प ब्रीड्स इनसाइड द स्पंज एंड द यंग श्रिम्प सो प्रोड्यूस्ड कुड इजिली एस्केप द स्पंज एंड देन दे फाइंड अनदर स्पंज फॉर देम। दिस साइकिल कंटिन्यूज एंड द श्रिम्प डाइज इनसाइड द स्पंज ओनली एज दे कैन नॉट एस्केप इट फॉर देयर लाइफ टाइम। हेंस देयर इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द श्रिम्प एंड स्पंज दैट लिटरली डिपिक्ट देयर यूनियन टिल द डेथ ऑफ श्रिम्प। याद रखना है, सो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ये देखो है पोरिफेरा के एग्जाम्पल, यह है साइकॉन, यह है यू स्पॉन्जिया जिसको बाथ स्पंज भी कहते हैं, और यह स्पॉन्जिला जिसको फ्रेश वाटर स्पंज भी कहते हैं। तो ये याद रखना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे बिल्कुल, मजबूरी में साथ रहना पड़ रहा है ये भी तो देखना चाहिए इनको, ये निकल ही नहीं पाते। फिर श्रिम्प समझते हैं ना, झींगा की एक वैरायटी। दूसरा है हमारा सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निडेरिया। क्योंकि इस संघ के जंतुओं में एक ऑर्गेन होता है जिसको हम नीडोब्लास्ट कहते हैं, नीडोब्लास्ट कहते हैं। ये ऑर्गेन जो है वो ऑफेंस और डिफेंस के तौर पे यूज किया जाता है, प्रहार करने के लिए या आत्मरक्षा के लिए। जैसे नीडोब्लास्ट एक ऑर्गेन है और ये दुश्मनों पर प्रहार करके उसको बेहोश कर देने के लिए और भोजन ग्रहण करने के लिए, के शिकार को बेहोश करके भोजन ग्रहण कर लेगा, इसीलिए इसको निडेरिया भी कहते हैं। ये मेराइन होते हैं, और पहले ही बता दिया था कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के जंतु रेडियली सिमेट्रिकल होंगे और इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब सेल मिलकर टिश्यू बना लिया, थोड़ा सा जीव जो है वो मतलब ज्यादा विकसित हो गया, सेलुलर लेवल से आगे है टिश्यू लेवल पे। इनमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, नीडोब्लास्ट, और ये इसके बॉडी के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है पॉलीफॉर्म जो इस प्रकार का होता है जैसे हाइड्रा, ये पॉलीफॉर्म है, और दूसरा छत्री के टाइप का होता है जिसको मेडुसा फॉर्म कहते हैं। तो बॉडी के दो फॉर्म होते हैं, कुछ इसके जंतु इस तरह के होते हैं और कुछ छत्री के आकार के दिखते हैं। तो पॉलिप और मेडुसा फॉर्म किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है? तो बोलना के निडेरिया में। एग्जाम्पल देख लेना, हाइड्रा और एलिया जिसको हम जेली फिश कहते हैं, तो जेली फिश एक फॉल्स फिश है, देख लेना। फिश किससे बिलोंग करेगा? पाइसेस से बिलोंग करेगा, वो ट्रू फिश है। और एलिया को हम जेली फिश कहते हैं, तो जेली फिश एक फॉल्स फिश हो गया। फाइसेलिया, पेनाट्यूला, गॉर्गोनिया, मैंड्रीना जिसको ब्रेन कूलर कहते हैं, तो एडम्सिया, ये तीन अक्सर पूछा जाता है।
कि हाइड्रा ऑरेलिया एडम्सिया जिसको सी एनिमोन कहते हैं ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो फाइलम मतलब निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं। तो इन तीनों को रट लो बिल्कुल, यही रहेगा ऑप्शन में। हाइड्रा ऑरेलिया एडम्सिया किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो उत्तर आपका हो जाएगा सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो ये देखो आपका हाइड्रा है, ये एडम्सिया है, ये ऑरेलिया है जिसको जेलीफिश कहते हैं, ये पॉलिफ फॉर्म है, ये मेडुसा फॉर्म है, और ये एक निमेटोसिस्ट है जिसको हम नीडोब्लास्ट भी कहते हैं। इसके अंदर एक जहर भरा होता है और ये क्या करेगा, इस तरह से जब इसको इसके सामने कोई दुश्मन आएगा तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके हेल्प से वो क्या करेगा, इस जहर को उसकी बॉडी में उतार देगा और वो शिकार बेहोश हो जाएगा या दुश्मन वहां से भाग जाएगा। तो ऑर्गेन ऑफ ऑफेंस और डिफेंस के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रहार करने के लिए या आत्मरक्षा के लिए। नेक्स्ट हमारा है टीनोफोरा। टीनोफोरा संघ के जंतुओं को सी वॉलनट यानी समुद्री अखरोट या कूम्ब जेलीज भी कहा जाता है। कूम्ब जेलीज ये प्रायः समुद्री होते हैं और इसके शरीर पर सीलिएटेड कूम्स होते हैं। कितने रोज होते हैं इसके, 8 रोज होते हैं जो लोकोमोशन के लिए हेल्प में आते हैं। तो टीनोफोरा संघ के जंतुओं में जो लोकोमोशन होता है वो सीलिएटेड कूम्ब लाइक स्ट्रक्चर से होता है। टीनोफोरा संघ के जंतुओं की एक विशेषता होती है कि ये बायोल्यूमिनिसेंस की मतलब घटना प्रदर्शित करते हैं, जैव प्रदीप्ति या जीव संदीप्ति की घटना प्रदर्शित करते हैं। कितने लोगों को पता है बायोल्यूमिनिसेंस क्या होता है, बताइएगा। टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज भी लाइए। हाँ, बहुत जल्द वो मैं लाने वाला हूं टॉपिक वाइज। पूरी जो घटना चक्र बुक है जिसमें सीडीएस के जितने क्वेश्चंस, पीसीएस के जितने क्वेश्चंस साइंस के हैं वो सब टॉपिक वाइज हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आपने ठीक याद दिलाया है, शुक्रिया आपका। तो बायोल्यूमिनिसेंस क्या है, देखो जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट करता है, अगर कोई जीव प्रकाश उत्सर्जित करता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लाइट एमिट होता है, देन दिस फेनोमेनन इज नोन एज बायोल्यूमिनिसेंस, जैव प्रदीप्ति या जीव संदीप्ति की घटना। जैसे आपने जुगनुओं को उड़ते हुए देखा होगा रात में गर्मियों के मौसम में, तो जुगनू इधर पीछे से लाइट निकालते हैं, तो ये घटना भी बायोल्यूमिनिसेंस कहलाएगी। सो व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एमिट लाइट देन दिस फेनोमेनन इज नोन एज बायोल्यूमिनिसेंस, है ना। तो प्राणियों के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन की जो घटना है उसको जीव संदीप्ति या जैव प्रदीप्ति कहते हैं। और टीनोप्लाना संघ के जंतु समुद्र के अंदर रहते हैं और समुद्र में ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, सो काफी खूबसूरत महसूस होते हैं पानी के अंदर। एग्जाम्पल हो गया आपका टीनोप्लाना प्लियोरोब्रैंकिया, ये देखिए यह प्लियोरोब्रैंकिया जिसको हम टीनोफोरा संघ का है, ये प्लियोरोब्रैंकिया, ये इस तरह का खूबसूरत कलरफुल जंतु होता है। ये जंतु है बॉल जैसा लग रहा है ना, ये पानी के अंदर काफी मतलब रेड ग्रीन कलर में चमकता हुआ दिखाई देगा। तो क्वेश्चन होगा कि किस संघ के जंतुओं की ये खासियत होती है कि वो बायोल्यूमिनिसेंस की घटना प्रदर्शित करते हैं, तो उत्तर होगा टीनोप्लाना प्लियोरोब्रैंकिया, और अगर संघ पूछ लिया जाए तो टीनोफोरा, याद रखना है। दो ही एग्जाम्पल इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट फाइलम है हमारा प्लैटीहेल्मिंथिस। प्लैटीहेल्मिंथिस कहने का मतलब है कि बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा और ये क्या होगा, एसिलोमेट होगा, बॉडी कैविटी इसमें नहीं होगी, बायलैटरली सिमेट्रिकल, एसिलोमेट, बॉडी कैविटी नहीं होगी। और प्लैटी का मतलब क्या होता है, फ्लैट, और हेलमिंथ का मतलब क्या होता है, वर्म। सो इस संघ के जंतुओं को हम लोग फ्लैट वर्म्स यानी चपटी कृमि भी बोलते हैं। ज्यादातर प्लैटी हेलमिंथ के जो जंतु होते हैं वो दूसरे जंतुओं में एंडो पैरासाइट के रूप में रहते हैं, अंतः परजीवी के रूप में रहते हैं। तो आपको पता होगा कि पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक वो पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, उसको एक्टो पैरासाइट कहते हैं। जैसे
जुई वगैरह आपका खून चूस रहे हैं, गाय भैंस बकरी के बॉडी से स्किन से जो है कुछ कीड़े चिपके रहते हैं जो उसका खून चूसते रहते हैं, भैंसें पानी में नहाने जाती हैं तो उसकी बॉडी से लीच चिपक जाता है उसका खून चूस लेता है, तो ये सब एक्टो पैरासाइट, वो पैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहते हैं, और एंडो पैरासाइट जो किसी दूसरे जीव के बॉडी के अंदर घुस जाएंगे। तो ये जो प्लैटी हेलमेंथिस होते हैं वो ज्यादातर एंडो पैरासाइट होते हैं, और देखो इसको तो कभी भूलना मत, प्लैटी हेलमेंट्स के जंतुओं में जो एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है उसका नाम है फ्लैम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं। ये बार बार पूछा गया है कि फ्लैम सेल्स के द्वारा एक्सक्रीशन किस संघ के जंतुओं में, किस फाइलम के जंतुओं में होता है, तो आप कहना प्लैटी हेलमेंथिस, फ्लैट वॉर्म्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल हो गए प्लानेरिया, प्लानेरिया एक फ्लैट वॉर्म है, चपटी कृमि है, टीनिया जिसको टेप वॉर्म कहते हैं, फैसियोला जिसको लीवर फ्लूक कहते हैं, और प्लानेरिया में सबसे ज्यादा रिजेनरेशन की कैपेसिटी होती है। किस जंतु में रिजेनरेशन की सबसे अधिक कैपेसिटी होती है, तो वो है प्लानेरिया। आपको मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाया होगा कि इस तरह का एक जंतु होता है प्लानेरिया। प्लानेरिया को आप कहीं से भी काट दो तो इसका हर पार्ट एक नया प्लानेरिया बना लेगा अपने लॉस्ट पार्ट को रिजेनरेट करके। जैसे ऊपर वाले पार्ट में टेल लॉस्ट है तो टेल बना लेगा, बीच वाले पार्ट में हेड और टेल दोनों ही नहीं है तो हेड और टेल दोनों ही बना लेगा, नीचे वाले पार्ट में सिर्फ हेड मिसिंग है तो हेड बना लेगा, टेल तो पहले से था। तो हाईएस्ट रिजेनरेशन पावर किस में होता है, प्लानेरिया में। तो प्लानेरिया, टीनिया, फैसियोला, ये सब के सब फाइलम प्लैटी हेलमेंथिस के जंतु हैं, ठीक है जी। चलिए तो इसको याद रखना, तो ये देखो एनसीईआरटी से हमने ले लिया है, ये है आपका लीवर फ्लू फैसियोला, और ये है आपका टेप वॉर्म। आगे आते हैं एस्केलमेंथिस, दूसरा फाइलम है आपका एस्केलमेंथिस, ये सीरोसिलेमेट होगा यानी फॉल्स बॉडी कैविटीज में पाई जाएगी, बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा, रेडियली सिमेट्रिकल किसमें था, बस रेडियली सिमेट्रिकल था प्लैटी हेलमेंथिस में, और कहां पे सॉरी आपका सिलेंट्रेटा में और टीनो पूरा। इस संघ के जंतुओं को राउंड वर्म कहते हैं, एस्केलमेंथिस पढ़ते हैं इसको, गोल कृमि भी कहते हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मुक्त जीवी पैरासाइट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, परजीवी भी किसी की बॉडी में घुसकर उससे अपना भोजन लेंगे, जलीय भी हो सकते हैं एक्वेटिक, स्थलीय भी हो सकते हैं टेरेस्ट्रियल। इस संघ के जंतुओं की जो विशेषता है वो ये है कि इस संघ के जंतुओं में जो मादाएं होती हैं वो नर से अधिक लंबी होती हैं, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस संघ के जंतुओं में मादाएं जो होती हैं वो नर से अधिक लंबी होती हैं, तो यही है गोल क्रीमी। एग्जाम्पल इसका हो गया आपका एस्कैरिस राउंड वर्म, वूचेरेरिया जिसको हम फाइलेरियल वर्म भी कहते हैं, वूचेरेरिया का पूरा फॉर्म पूरा नाम होता है वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ये हम इसे फाइलेरियल वर्म कहते हैं या फाइलेरिया वर्म कहते हैं, इसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं फाइलेरिया या इसको कहते हैं एलिफेंटियसिस, एलिफेंटियसिस हाथी पांव रोग, याद रखना है हाथी पांव रोग या फील पांव रोग। तो क्वेश्चन हो सकता है कि हाथी पांव रोग, फील पांव रोग होता है प्लैटी हेलमेंथिस के द्वारा, एस्केलमेंथिस के द्वारा, टीनोफोरा संघ के जंतुओं के द्वारा, इकैनोडर्मेटा संघ के जंतुओं के द्वारा। तो यह एक एस्केलमेंथिस है, मतलब राउंड वर्म है, और फाइलेरियल वर्म फैलता है क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू, है ना, ये याद रखिएगा। तो इसके दो जंतु याद रख लीजिए, एस्केरिस और वूचेरेरिया। वूचेरेरिया जो है एक राउंड वर्म है,
याद रखिएगा, जिसको फाइलेरिया वर्म हम लोग कहते हैं, जिसकी वजह से हाथी पांव रोग होता है। नेक्स्ट आ गया आपका संघ एनेलिडा। एनेलिडा संघ के जंतु जो होंगे, अब सब आ गया आपका ट्रू सिलोम वाला, है ना, ट्रू सिलोम वाला। एनेलिडा संघ के जंतु जो है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी होगा, ट्रू सिलोम होगा। जलीय हो सकते हैं, स्थलीय हो सकते हैं, मुक्त जीवी हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होगी, खंडी भवन युक्त होगी, सेगमेंटेड बॉडी, बॉडी सेगमेंट्स में बटी होगी इस तरह से। और इसके एग्जाम्पल तो जरूर याद रखिएगा केंचुआ। अक्सर पूछा जाता है कि केंचुआ, लीच यानी जोंक, और नैरिस, नैरिस, ये तीनों के जो तीनों हैं वो आपके एनिलिडा संघ के जंतु हैं। तो अर्थवर्म, लीच और नैरिस ये एनिलिडा से बिलोंग करते हैं, मतलब इसकी बॉडी जो है एनुलर होगी इस तरह से, इसका हर सेगमेंट एक रिंग के जैसा होगा, तो बॉडी सेगमेंटेड होगी। एग्जाम्पल हो गया आपका अर्थवर्म, लीच और नैरिस। अर्थवर्म आपने देखा होगा, ये हो गया आपका खेतों में पाया जाता है मिट्टी में। लीच जो है वो चिपक जाता है भैंसों की बॉडी से और खून चूसने लगता है। लीच को हम लोग हिरुडिनोरिया भी कहते हैं, हिरुडिनोरिया, ये देखो लीच का साइंटिफिक नेम है। अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम है फेरिटिमा पोस्थ्यूमा, है ना। और नैरिस, नैरिस जो है वो इस तरह का एक जंतु होता है, और इसमें लोकोमोशन के लिए एक ऑर्गेन होता है जिसको पैरापोडिया कहते हैं, इस तरह से जो लोकेशन मतलब चलता है जिसके थ्रू, ये पैरापोडिया के थ्रू नैरिस चलता है। और पैरापोडिया पर इस तरह से मतलब कांटे जैसी संरचना होती है जिसको सीटी कहते हैं या सीटा कहते हैं, जो पढ़ना आपको पढ़िए, ठीक है। तो पैरापोडिया लोकोमोशन का लोकोमोटरी ऑर्गन है, किसमें, नैरिस में, और नैरिस बिलोंग करता है, याद रखिएगा, अर्थवर्म, लीच और नैरिस, ये तीनों ही एनेलिडा से बिलोंग करते हैं, इसको रट लेना है बिल्कुल, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए गाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइलम अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोस मतलब होता है ज्वाइंट और पोडियम का मतलब होता है पैर। तो इस संघ के जंतुओं की जो खास बात है वो है ज्वाइंटेड लेग्स। क्या है? ज्वाइंटेड लेग्स, संधि युक्त पद पाए जाते हैं, संधि युक्त पद, इसीलिए नाम रखा गया अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोस मतलब ज्वाइंट और पोडियम का मतलब पैर। जैसे अर्थराइटिस सुना है ना, अर्थराइटिस मतलब ज्वाइंट में सूजन। इनका बॉडी जो है वो हेड में, थॉरेक्स में और एब्डोमेन में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। थॉरेक्स मतलब वक्ष, एब्डोमेन मतलब उदर। तो इनका शरीर जो है सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होता है, और इनके पास ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। और ये एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है, इसको आप कैसे भूल सकते हो। विच वन इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स यानी गलफड़ा के द्वारा हो सकता है, बुक गिल्स के द्वारा हो सकता है, लंग्स के द्वारा हो सकता है, ट्रैकिया के द्वारा हो सकता है। ये लार्जेस्ट फाइलम है और इसी फाइलम में सारे कीट आते हैं। एक्सक्रीशन के लिए इनमें इंपॉर्टेंट चीज होती है मालपिघियन नलिकाएं। मालपिघियन टिब्यूल के द्वारा इसमें एक्सक्रीशन होता है, और इनके शरीर में कंपाउंड आईज पाई जाती है, यानी इनका आई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, और इसको कंपाउंड आई कहते हैं। और इसमें सारे कीट आ जाएंगे, इसमें इंसेक्ट्स जितने भी कीट हैं वो सब के सब इसी से बिलोंग करेंगे। जैसे जितना भी मच्छर है, जितनी भी मक्खी हैं, कॉकरोच है, तिलचट्टा, सब इसी में आ जाएंगे। तो मच्छर, मक्खी, तिलचट्टा इत्यादि इत्यादि सब इसी में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एपिस यानी हनी बी, मधुमक्खी, कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। बॉम्बिक्स जिसको सिल्क वॉम बोलते हैं, है ना, यानी रेशम के कीट, सारे कीट इसमें आ जाएंगे, रेशम के कीट। एनोफिलीज मच्छर है, ये मॉस्किटो है। क्यूलेक्स मच्छर है। लोकस्टा मतलब टिड्डी। लिम्यूलस जिसको हम लोग किंग क्रैब भी कहते हैं, ये लिविंग फॉसिल है।
यानी ऐसा जीव जिसमें पूर्वजों के बहुत सारे कैरेक्टर पाए जाते हैं उसको लिविंग फॉसिल कहेंगे, लिमुलस। फिर देखो बिच्छू, झींगा, ये झींगा देखो मछली नहीं है, प्रॉन जो है जिसे आप मछली कह देते हैं ये मछली नहीं है, ये क्या है, कीट है। बटरफ्लाई, टिड्डी, ये सब इसी से बिलोंग करते हैं। तो ये एनसीईआरटी से काट के यहाँ पे चिपकाया हुआ। नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है वो है फाइलम मोलस्का। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, और इसमें आ जाता है पायला जिसको हम स्नेल कहते हैं, घोंघा ये भी अक्सर पूछा गया है, पिंक टैडा जिसको हम पर्ल कहते हैं, मोती, ऑक्टोपस जानते ही हो ये ऑक्टोपस है, डेंटेलियम, सीपिया यानी कटल फिश, देखो ये भी फॉल्स फिश है, कटल फिश क्या है, फॉल्स फिश है, झींगा मछली जिसे आप बोलते हैं वो फॉल्स फिश है, ऑरेलिया जिसको जैली फिश आपने कहा था वो फॉल्स फिश है, तो सीपिया जिसे हम कटल फिश कह रहे हैं ये मोलस्का का जंतु है, मतलब ये फिश नहीं है, नाम ऐसा ही दे दिया गया है फॉल्स फिश, यह है सीपिया, ठीक है, और यह है पायला जिसे हम स्नेल के नाम से जानते हैं। तो ये ऑक्टोपस हो गया, ये पिंक टैडा हो गया जिसे पर्ल के नाम से जानते हैं, मोती यही से निकलता है, और यह है स्नेल, शंख जैसा एक जंतु होता है। नेक्स्ट हमारा फाइलम है इकैनोडर्मेटा। इकैनस मतलब क्या होता है, कांटा, और डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन, मतलब इस संघ के जंतुओं के शरीर पर कांटे जैसी संरचना पाई जाएगी। तो दे आर स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स, इनके शरीर पर कांटे जैसी संरचना पाई जाएगी, ज्यादातर ये समुद्री होंगे, और इनकी बॉडी भी रेडियली सिमेट्रिकल होगी, ये याद कर लेना। तो इनकी जो एडल्ट होंगे वो इनका बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होगा, लेकिन इनका जो लार्वा होगा ना वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इस सन का, ऐसा किसी में नहीं है कि लार्वा बायलैटरली सिमेट्रिकल हो और एडल्ट जो हो वो रेडियली सिमेट्रिकल हो, ये बस इसी में पाया जाता है। तो किस संघ के जंतुओं के जो एडल्ट हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी है उनकी, जैसे इसी में आता है आपका स्टारफिश, बॉडी जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल है, लेकिन इनके जो लार्वा होते हैं वो द्वि पार्श्व सममित होते हैं। तो वयस्क इनके अर्ये सममित होते हैं और इनका लार्वा द्वि पार्श्व सममित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात बताऊं कि इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम ट्यूब फिट के नाम से जानते हैं, नाल पद के नाम से जानते हैं। तो इकैनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम ट्यूब फिट कहते हैं, और इसके थ्रू ये फूड कैप्चर कर सकते हैं, इसके थ्रू ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं, इसके थ्रू ये लोकोमोशन कर सकते हैं, चल सकते हैं, और इसमें जल संवहन तंत्र यानी वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है, और एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किस संघ के जंतुओं में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, तो आप कहोगे इकैनोडर्मेटा, और इकैनोडर्मेटा संघ के जंतु में आपका आ जाता है स्टार फिश, देखो तारा मछली। अब स्टार फिश भी क्या है, फॉल्स फिश है, इकैनोडर्मेटा से बिलोंग कर रहा है, नाम है फिश लेकिन ये फिश नहीं है। एक बार मैं सारे फॉल्स फिश का नाम लिखा दूंगा, अभी मैं बताता चल रहा हूँ, इंडिकेट करता चल रहा हूँ, स्टार फिश इकैनोडर्मेटा से बिलोंग कर रहा है, ट्रू फिश नहीं है। तो पूछा गया था कि स्टार फिश में लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, ये क्वेश्चन था, ये सीडीएस में नहीं पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है कि स्टार फिश में लोकोमोशन किस स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, तो आपका उत्तर था ट्यूब फिट यानी नाल पद के थ्रू होता है। नहीं, शार्क तो फिश में आएगा, अभी दिखाऊंगा मैं शार्क, शार्क ट्रू फिश है, वेल
मैमल है, वेल जो है वो हम लोगों की कैटेगरी का है, वेल डॉल्फिन ये मछली नहीं है, ये मैमल है, स्तनधारी है, ठीक है। तो एग्जांपल देख लो, स्टारफिश, एंटीडॉन जिसको सी लिली कहते हैं, इकाइनस जिसको सी अर्चिन कहते हैं, कुकुमेरिया जिसको होलोथ्यूरिया या सी कुकुम्बर कहते हैं, कुकुम्बर जैसा दिखता है ये, होलोथ्यूरिया या कुकुमेरिया भी बोलते हैं इसको, जिसको सी कुकुम्बर के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है स्टारफिश, एंटीडॉन, सी लिली, इकाइनस, सी अर्चिन और कुकुमेरिया, इतना से बाहर आपका क्वेश्चन कभी जा ही नहीं सकता। बस यही एग्जांपल याद रखिएगा, ये हुआ आपका स्टारफिश, ऐसा कुछ दिखता है देखने में, बॉडी जो है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल, सॉरी रेडियली सिमेट्रिकल। ये एंटीडॉन जिसको सी लिली के तौर पे जानते हैं हम लोग, कुकुमेरिया जिसको सी कुकुम्बर, इकाइनस जिसको सी अर्चिन के नाम से जानते हैं। बॉडी पर देखिए कांटे जैसी संरचना दिख रही है आपको, स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स हैं, कांटे जैसी संरचना है इनके शरीर पे। तो ये याद रख लीजिएगा, ये सब इकाइनो डर्मेटा के सदस्य हैं, इकाइनो डर्मेटा, इकाइनस मीन्स कांटा, स्पाइन्स, डर्मा मीन्स शरीर, स्किन, स्किन पे कांटे जैसी संरचना। एग्जाम्पल बिल्कुल रट लेना है इसको, इतने खूबसूरत एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, बहुत ही खूबसूरत देखने में। अब आ जाइए फाइलम हेमीकॉर्डाटा, अब थोड़ा सा मामला आगे चलकर कॉर्डाटा से थोड़ा सा उलझन सा लगेगा आपको पढ़ने में, लेकिन उसको बड़े ही आराम आराम से मैं समझाता चलूंगा, दिक्कत नहीं होगी। हेमीकॉर्डाटा, हेमीकॉर्डाटा संघ के जंतुओं का जो बॉडी होता है वो वॉर्म लाइक होता है, कृमि जैसा शरीर होता है, इसका बॉडी जो है वो बेलनाकार होता है और इसके पास एक सूंड जैसी संरचना होती है, जैसे हाथी का सूंड होता है ना वैसा, और कॉलर और ट्रंक होता है। तो इनका बॉडी जो है, हेमीकॉर्डाटा संघ के जंतु की बॉडी जो है वो प्रोबोसिस यानी सूंड, कॉलर और वक्ष में विभक्त होती है, और इसके दो ही एग्जांपल याद रख लेना, बैलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। तो बैलेनोग्लॉसस का चित्र दे रखा है, ये देखो ये प्रोबोसिस है, ये कॉलर है और ये पूरा बॉडी ट्रंक कहलाता है। तो ये किसका है, बैलेनोग्लॉसस का ये चित्र है, बॉडी जो है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइडेड होती है और ये वर्म लाइक जंतु होते हैं। इसका किस फैलम से बिलोंग कर रहा है, हेमीकॉर्डाटा। नेक्स्ट है आपका फैलम कॉर्डाटा, अब यहां से थोड़ा सा दाव पे चलने वाला है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। फैलम कॉर्डाटा में ऐसे जंतुओं को रखा गया है जिसकी बॉडी में नोटोकॉर्ड है, पृष्ठ रज्जु है और नर्व कॉर्ड है, तंत्रिका रज्जु है। जैसे हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी है ना, वो रीढ़ की हड्डी क्या है, यही नोटोकॉर्ड है जो रीढ़ की हड्डी में बदल गई है। नोटोकॉर्ड क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरी बॉडी में आगे से लेकर पीछे तक है, ये क्या है, नोटोकॉर्ड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो बॉडी को मतलब मैकेनिकल सपोर्ट देता है, दृढ़ता प्रदान करता है, जैसे हम लोगों का रीढ़ की हड्डी, ये नोटोकॉर्ड ही रीढ़ की हड्डी में बदला है हम लोगों ने। और एक नर्व कॉर्ड होता है जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, और एक नर्व कॉर्ड होता है। तो वो जंतु जिसकी बॉडी में नोटोकॉर्ड है और नर्व कॉर्ड है, उसको किसमें रखा गया है, कॉर्डाटा में। तो ये सबसे लास्ट वाला फाइलम है, 11वां फाइलम, जो सबसे लास्ट फाइलम है हमारा 11th फाइलम, उसको हमने क्या नाम दिया है गाइस, कॉर्डाटा। ध्यान से सुनना, कॉर्डाटा, यानी कॉर्डाटा कह देने का मतलब हुआ कि बॉडी में नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड होगा। नोटोकॉर्ड क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, और नर्व कॉर्ड क्या है, जो तंत्रिकाएं हैं वो एक बिल्कुल ट्यूब के रूप में आई हुई है, जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डियों के बीच से गुजरता है। अब ये जो फाइलम कॉर्डाटा है उसको तीन सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया। ये जो फाइलम कॉर्डाटा है इनको कितने सब फाइलम में, तीन सब फाइलम में, तीन उप जगतों में विभाजित कर दिया गया है। पहला है यूरोकॉर्डाटा, दूसरा है सिफाइलोकॉर्डाटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा।
वर्टिब्रेटा, हिंदी में वर्टिब्रेटा ही लिखेंगे। अब ये क्या है, देखो यूरोस का मतलब क्या होता है, टेल, और कॉर्डाटा मतलब हुआ नोटोकॉर्ड। अगर नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा के टेल में मौजूद है, बाकी लाइफ में मौजूद नहीं है, सिर्फ लार्वा के टेल में ही नोटोकॉर्ड मौजूद है, तो इस तरह के जंतुओं का एक अलग फाइलम बना दी, सब फाइलम बना दिया गया यूरोकॉर्डाटा। इंसेफेलॉन का मतलब क्या होता है, ब्रेन या हेड, सिफेलोकॉर्डाटा। यानी नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल तक मौजूद है पूरे जीवन लाइफ, पूरे जीवन चक्र में, तो इसको हम कहते हैं क्या, सिफेलोकॉर्डाटा। लेकिन नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया है, कशेरुक दंड में, जैसे हम लोगों में नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो गया, वर्टिब्रल कॉलम में, तो उस सब फाइलम को हम लोग वर्टिब्राटा बोलेंगे। तो हम लोग फाइलम कॉर्डाटा और सब फाइलम वर्टिब्राटा से बिलोंग करते हैं। तो फाइलम कॉर्डाटा को तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। पहला है यूरोकॉर्डाटा, यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा लार्वा के टेल में, लार्वा के टेल में, और इसका एग्जाम्पल हो गया एस्किडिया, सीपिया, डोलोलियम, हर्डमानिया। यूरोकॉर्डाटा में आते हैं आपके हर्डमानिया, डोलोलियम, सीपिया, सॉरी सीपिया नहीं इसमें आएगा, एस्किडिया, एस्किडिया, सीपिया तो कटल फिश है, वो उसमें था इकैनोडर्मेटा में, तो एस्किडिया, डोलियम और हर्डमानिया, ये आ जाएगा इसमें यूरोकॉर्डाटा में। ये देखिए एस्किडिया है, ये इस तरह का जंतु है। दूसरा है सिफेलोकॉर्डाटा, यानी नोटोकॉर्ड हेड टू टेल मौजूद है, और इसका एग्जांपल है एक जंतु एम्फियोक्सस। क्या है, एम्फियोक्सस। और तीसरा सब फाइलम है आपका वर्टिब्राटा। अगर नोटोकॉर्ड किसमें कन्वर्ट हो गया है, वर्टिब्रल कॉलम में, मेरुदंड में कन्वर्ट हो गया है, अगर पृष्ठ रज्जु किसमें कन्वर्ट हो गया है, वर्टिब्रल कॉलम में, कशेरुक दंड में, इसको कशेरुक दंड बोलेंगे, रीढ़ की हड्डी में, तब उसको वर्टिब्राटा कहेंगे। हम लोगों में वर्टिब्रल कॉलम है ना, रीढ़ की हड्डी, तो सब फाइलम वर्टिब्राटा कहेंगे। अब ये सब फाइलम वर्टिब्राटा को ध्यान से सुनना, यहां से गड़बड़ आपको लगेगा। तो मैंने कहा कि जो हमारा 11th फाइलम है, लास्ट फाइलम, जिसे हमने क्या बोला है, कॉर्डेटा। लास्ट फाइलम, 11th फाइलम को हमने क्या बोला, कॉर्डेटा। ये 11th फाइलम है। फाइलम कॉर्डेटा को तीन सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया, तीन सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया। एक है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा है वर्टिब्राटा। यही था ना, वर्टिब्राटा। अगर नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा के टेल में मौजूद है तो यूरो, हेड टू टेल मौजूद है तो सिफेलो, और अगर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया है तो वर्टिब्राटा। अब ये जो हमारा सब फाइलम वर्टिब्राटा है, ये जो हमारा सब फाइलम वर्टिब्राटा है, उसको दो डिवीजन में बांटा गया है। ये आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, और जब तक कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है, क्योंकि सीडीएस में जो एनिमल किंगडम से क्लासिफिकेशन पूछ रहा है वो 11th लेवल का पूछ रहा है, तो थोड़ा सा कष्ट आपको लेना ही पड़ेगा। ये जो सब फाइलम हमारा वर्टिब्राटा है, उसको दो डिवीजन में बांटा गया है, एगनाथा और नेथोस्टोमेटा। नेथोस मतलब क्या होता है, जॉ, और आ मतलब क्या होता है, एब्सेंट, यानी जबड़ा नहीं है। तो शरीर में वर्टिब्रल कॉलम तो है लेकिन उसके पास जबड़ा नहीं है मुंह में, तो उसको एगनाथा रखा गया नाम। और जबड़ा वाले जो जंतु हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी है और शरीर में जबड़ा भी है मुंह में, तो उसको नेथोस्टोमेटा बोला गया। तो ये जबड़ा रहित, ये जबड़ा रहित जीव और ये जबड़ा युक्त जीव। अब ये जो डिवीजन है
सब फाइलम वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में बांटा गया, एग्नाथा और नेथोस्टोमेटा। एग्नाथा को एक क्लास में बदल दिया गया, एक ही क्लास में इसको विभाजित किया गया, उसका नाम रखा गया साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब मुंह, सर्कुलर है, एस्टोमा मतलब मुंह, और साइक्लो मतलब सर्कुलर माउथ है जिसमें जबड़ा नहीं है, सर्कुलर माउथ है जिसमें जबड़ा नहीं है। अब देखो ये जो हमारा डिवीजन नेथोस्टोमेटा है जिसमें जबड़ा युक्त जीवों को रखा गया, जिसकी बॉडी मुंह में जबड़ा होगा, उसको दो सुपर क्लासेस में बांटा गया। एक सुपर क्लासेस है पाइसेस, जिसमें सभी मछलियों को रखा गया, और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा, जिसमें उन जंतुओं को रखा गया जिसके पास लिम्स हैं, हाथ और पैर हैं। तो अगर बॉडी में फिन्स हैं जिसके थ्रू वो तैरता है, मछलियों में क्या होते हैं फिन्स होते हैं ना, पंख जैसी संरचना होती है जिससे वो तैरते हैं, तो सुपर क्लास सॉरी जो हमारा डिवीजन नेथोस्टोमेटा है इसको दो सुपर क्लासेस में बांटा गया। एक है सुपर क्लास पाइसेस, इसमें उन जंतुओं को रखा गया जिसके पास फिन्स हैं, फिन्स के थ्रू तैरती हैं, और जिसके पास लिम्स हैं, हाथ और पैर हैं जैसे हम लोग, तो उसको टेट्रापोडा में रखा गया। अब फिश देखो दो तरह की है, पाइसेस में किसको रखा गया फिश को, फिश दो तरह की होती हैं। एक वो फिश हैं जिनका स्केलेटन, जिसका कंकाल कार्टिलेज का बना होगा, उसको कॉन्ड्रिक्थिस कहेंगे, कार्टिलेजिनस फिशेस को, और जिसका कंकाल बोन का बना होगा उसको ऑस्टिक्थिस कहेंगे। ऑस्टियोस मतलब होता है बोन, और इक्थियोस मतलब क्या होता है फिश, इक्थियोलॉजी समझते हैं ना, इक्थियोलॉजी मतलब फिशेस का अध्ययन, तो इक्थिस का मतलब यहाँ पे फिश से है, और कॉन्ड्रोलॉजी कार्टिलेज का अध्ययन क्या कहलाता है कॉन्ड्रोलॉजी, और ऑस्टियोलॉजी मतलब क्या होता है बोन का अध्ययन। ऑस्टिक्थिस यानी वो फिश जिसका कंकाल बोन का बना हुआ है उसको ऑस्टिक्थिस में रखा गया। मतलब फिशेस दो प्रकार के होते हैं, एक होती है बोनी फिशेस जिसको हम ऑस्टिक्थिस बोलते हैं, और एक होती है कार्टिलेजिनस फिशेस। तो जो पाइसेस से बिलोंग करेगा ना, सुपर क्लास पाइसेस से बिलोंग जो कर रहा होगा वो ट्रू फिश होगा। अभी तक जो भी आप पढ़ते आए हो वो सब के सब फॉल्स फिश से फिश थे। सुपर क्लास पाइसेस में मछलियों को रखा गया, और जिसके पास लिम्स हैं उसको टेट्रापोडा में रखा गया है, और टेट्रापोडा को सुपर क्लास टेट्रापोडा को चार क्लासेस में बांटा गया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ईव्स और मैमल, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। तो ह्यूमन की अगर हम बात करें हम लोग, तो हम लोग किस क्लास में है, मेमलिया क्लास में है। किस सुपर क्लास में है, तो टेट्रापोडा में है। किस डिवीजन में है, तो नेथोस्टोमेटा में है। किस सब फाइलम में है, तो वर्टिब्रेटा में है। किस फाइलम में है, तो कॉर्डाटा में है। किस किंगडम में है, तो एनिमलिया में है। अपना स्थान समझ में आया, हम लोग बात करें तो एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। एनिमल किंगडम के किस फाइलम से, तो कॉर्डाटा से। किस सब फाइलम से, तो वर्टिब्रेटा से। किस डिवीजन से, तो नेथोस्टोमेटा से। किस सुपर क्लास से, तो टेट्रापोडा से, और किस क्लास से, तो मेमलिया से। ये अपना स्थान हुआ। तो एक एक करके आप देख लेते हैं। ये देखो हिंदी में, ये हिंदी मीडियम एनसीईआरटी का काट के यहाँ पे चिपकाया हुआ, ये इंग्लिश मीडियम वाला चिपका दिया है काट का। तो हमारा जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको दो डिवीजन में बांटा गया है। जैसे ये फाइलम था, फिर से एक बार देखना, फाइलम कॉर्डाटा। फाइलम कॉर्डाटा को तीन सब फाइलम में बांटा गया। अभी तक भूल गए होगे बातों बातों में, तीन सब फाइलम में बांटा गया, यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में बांटा गया, दो डिवीजन में बांटा गया, एग्नाथा और नेथोस्टोमेटा, है ना। तो डिवीजन एग्नाथा में उन जंतुओं को रखा गया जिसमें जबड़ा नहीं है, और इस डिवीजन को एक क्लास में बांट दिया गया साइक्लोस्टोमेटा में।
यानी इनका माउथ सर्कुलर होगा और इनमें जबड़ा नहीं होगा। और इस क्लास के जो जंतु हैं वो मछलियों पर एक्टोपैरासाइट के रूप में रहते हैं, दूसरे मछलियों पर चिपके रहेंगे, उसकी बॉडी से कुछ खाते रहेंगे, तो मछलियों पर एक्टोपैरासाइट के रूप में रहेंगे। और इसका एग्जांपल है आपको पैट्रोमाइजोन जिसको सी लैम्प्री कहते हैं, मिक्सिन जिसको हैग फिश कहते हैं। तो देखो हैग फिश क्या है, ये फॉल्स फिश है, हैग फिश भी क्या हुआ, ये फॉल्स फिश है, किससे बिलोंग कर रहा है, डिविजन एग्नाथा के क्लास साइक्लोस्टोमेटा से। सी लैम्प्री देखा था ना, एक हॉलीवुड की मूवी भी आई है जिसमें लैम्प्री रहती है, लोगों का खून चूस लेती है, काफी आतंक मचा देती है। तो पेट्रोमाइजोन में जबड़ा नहीं होता, याद रखिएगा, इसमें जबड़ा नहीं होता तो याद रखिएगा, पेट्रोमाइजोन जिसको सी लैम्प्री कहते हैं, मिक्सिन जिसको हैग फिश कहते हैं। ये देखो ये सी लैम्प्री है, ये दूसरे मछलियों पर एक्टोपैरासाइट के रूप में रहते हैं। दूसरा डिवीजन है नेथोस्टोमेटा, इस संघ के जंतुओं में जबड़ा होगा। और नेथोस्टोमेटा को दो डिवीजन में बांटा गया है, दो सुपर क्लासेस में बांटा गया है, सुपर क्लासेस पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस में मछलियों को रखा गया है और मछलियां दो प्रकार की होती है, कॉन्ड्रिक्थिस यानी जिसका कार्टिलेज का बना हुआ होगा एंडोस्केलेटन, जैसे टॉर्पीडो जिसको इलेक्ट्रिक रे कहते हैं, करंट मारती है ये मछली। तो कॉन्ड्रिक्थिस क्या है, मछली है ये, कौन सी मछली, वो मछली जिसका एंडोस्केलेटन कंकाल कार्टिलेज का बना होगा। ट्राइगोन जिसको स्टिंग रे कहते हैं, स्कॉलियोडॉन जिसको डॉग फिश कहते हैं, देखो डॉग फिश अब ट्रू फिश हो गया, ये किससे बिलोंग कर रहा है, पाइसेस से बिलोंग कर रहा है। तो स्कॉलियोडॉन जिसको डॉग फिश कहते हैं, ये फिश है, कैसा फिश, बोनी फिश या कार्टिलेजिनस फिश, तो बोलिएगा कार्टिलेजिनस फिश, समझ में आ रहा है, समझ में आया, चलो। तो ये देखो हुआ आपका टॉर्पीडो जिसको इलेक्ट्रिक रे कहते हैं, ये हुआ आपका ट्राइगन जिसको स्टिंग रे कहते हैं, और यह स्कॉलियोडॉन जिसको डॉग फिश बोलते हैं, ये डॉग फिश, ये सब ट्रू फिश हैं, लेकिन ट्रू फिश में कैसे हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस। और दूसरा फिश आपका होता है ऑस्टिक्थिस। तो सुपर क्लास पाइसेस को दो क्लासेस में बांटा गया है, कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्टिक्थिस, वो मछलियां जिसका कंकाल बोन का बना होता है, इनमें एयर ब्लैडर होते हैं जो बॉयंसी देते हैं, इसको अंदर में एयर ब्लैडर होते हैं जो इसको बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं, तैरने में मदद करते हैं। इसमें देखो शार्क हो गया, रोहू हो गया, कतला हो गया, मांगुर हो गया, सैल्मन हो गया, सी हॉर्स हो गया, एग्जोसिटस जिसको फ्लाइंग फिश कहते हैं। तो शार्क देखो ट्रू फिश है, ट्रू फिश में कैसा, बोनी फिश, रोहू, कतला, मांगुर, सैल्मन, सी हॉर्स, फ्लाइंग फिश, एग्जोसिटस जिसको कहते हैं, ये सब के सब ट्रू फिश में आते हैं, बोनी फिशेस हैं। ये देखो एग्जोसिटस है जिसको फ्लाइंग फिश कहते हैं, जब पानी से ऊपर ऐसे उछलते हैं ना तो इसके फिन्स में इस तरह से मैमरिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जो पंख जैसा दिखता है, और इसकी वजह से ये काफी दूर तक हवा में छलांग लगा लेते हैं। ये हो गया आपका सी हॉर्स, सी हॉर्स मछली है, ट्रू फिश है। देखो जैसे क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फिश, निम्नलिखित में से कौन एक फिश नहीं है, सीडीएस का क्वेश्चन है, बताइए। तो कुछ फॉल्स फिशेस के नाम एक साथ मैं कर देता हूं, फॉल्स फिशेस, फॉल्स फिशेस के नाम एक साथ मैं लिखा देता हूं, रेजर फिश, कटल फिश, सीपिया जिसको कटल फिश कह रहे थे, क्रे फिश, जैली फिश, सिलेंट्रेटा का सदस्य था, ऑरेलिया को जैली फिश कह रहे थे, जैली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश इकैनोडर्मेटा का था, हैग फिश, मिक्सिन को हैग फिश बोल रहे थे, ये सब के सब फॉल्स फिश है। देखो नाम में फिश लगा हुआ है लेकिन ये फिश है ही नहीं। तो पूछ रहा है कि कौन एक फिश नहीं है, कौन एक फिश नहीं है, तो याद रखिएगा कटल फिश, सीपिया को कटल फिश कह रहे थे, कटल फिश कहाँ था याद है,
इसका मतलब कि गोल्ड फिश, डॉग फिश, एस्कॉलियडन को डॉग फिश बोल रहे थे, ज़ेब्रा फिश, ये सब ट्रू फिश हैं, ये सब ट्रू फिशेस हैं। तो सही उत्तर आपका ये था। इसको बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। यहां पे बोला कि कौन एक फिश नहीं है, यहां पे पूछ रहा है कौन एक फिश है। सिल्वर फिश, जैली फिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश, कौन एक ट्रू फिश है। तो अभी अभी मैंने बोला कि फ्लाइंग फिश किसको बोलते हैं, एक्सोसीटस को फ्लाइंग फिश कहते हैं। ये देखो, ये एक्सोसीटस है, फ्लाइंग फिश है, ट्रू फिश है। तो सही उत्तर आपका हो गया उड़न मछली, यानी डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्योंकि मैंने बोला सिल्वर फिश, जैली फिश, कटल फिश, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब आपके फॉल्स फिशेस हैं। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है डीपली। तो हमने क्या कहा, यहां से फिर से चलते हैं, फिर भूल गए होगे आप लोग। मैंने बोला कि फाइलम कॉर्डेटा को दो तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरोसिफेलो वर्टिब्राटा। ये जो हमारा सब फाइलम वर्टिब्राटा है उसको तीन डिवीजन में बांटा गया, एग्नाथा, नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लासेस में बांटा गया, पाइसेस जिसमें मछलियों को रखा गया, और टेट्रापोडा जो जिसके पास हाथ और पैर है, हाथ और पैर है। अब पाइसेस भी दो तरह की होती हैं, मछलियां भी दो तरह की होती हैं, एक होती है कार्टिलेज वाली और एक होती है बोन वाली। अब आ जाते हैं टेट्रापोडा, टेट्रापोडा को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, वो तो डिवीजन में सिर्फ बता दिया। अब टेट्रापोडा में ऐसे जंतुओं को रखा गया, सुपर क्लास टेट्रापोडा में ऐसे जंतुओं को पास को रखा गया जिसके पास लिम्स हैं, हाथ और पैर हैं, जैसे हम लोग हो गए। अब सुपर क्लास टेट्रापोडा को चार क्लासेस में बांटा गया। पहला क्लास है एम्फीबिया, उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग में ऐसे जंतुओं को रखा गया जो लैंड और वाटर दोनों जगहों पे अपना जीवन यापन कर सकते हो। एम्फी मतलब होता है बोथ, और बियॉन्स का मतलब होता है एनिमल, यानी वो एनिमल जो दोनों जगहों पे रह सकते हो, है ना। उभय मतलब दो, चर मतलब प्राणी। तो कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ये जलीय एवं स्थलीय वातावरण में रह सकते हैं। इनका जो बॉडी है वो हेड और ट्रंक में विभाजित होता है। इनकी त्वचा जो है वो नम होती है और बॉडी पर स्केल्स नहीं होते, जैसे मछलियों की बॉडी पर स्केल्स होते हैं ना, नहीं होते। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गलफड़ा के माध्यम से या फेफड़ा के माध्यम से या त्वचा के माध्यम से हो सकता है। जैसे फ्रॉग, फ्रॉग जब लार्वल स्टेज में होता है, लार्वा की अवस्था में होता है, तो इसमें रेस्पिरेशन गलफड़ा के द्वारा होता है, और एडल्ट स्टेज में रेस्पिरेशन जो है वो किसके थ्रू होता है, फेफड़ा और त्वचा के द्वारा। तो फ्रॉग में आता है आपका, सॉरी एम्फीबिया में आता है आपका फ्रॉग, और फ्रॉग में श्वसन तीनों विधियों से हो सकता है, गिल्स यानी गलफड़ा के द्वारा जब ये लार्वा स्टेज में रहता है, टैडपॉल लार्वा। जब ये एडल्ट फेज में आता है तो इसमें लंग्स और स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। इसके हृदय में तीन कक्ष होते हैं और ये ओविपेरस होते हैं, मतलब अंडे देने वाले प्राणी होते हैं। एग्जाम्पल को रट लेना है बिल्कुल दिमाग में कि उभयचर वर्ग में किसको रखा गया है, तो मेंढक को रखा गया है, टोड को रखा गया है, और सैलामेंडर को रखा गया है। यही एग्जाम्पल में आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रॉग, टोड और सैलामेंडर, ये होता है फ्रॉग। और फ्रॉग जैसा ही दिखता है टोड, जिसने कभी क्लासिफिकेशन पढ़ा नहीं उसको फ्रॉग और टोड एक ही लगेगा। ये जो टोड होते हैं वो साइज में थोड़े बड़े होते हैं, इसकी स्किन थोड़ी रफ होती है, स्किन इसकी खुरदुरी होती है, इसकी थोड़ी ज्यादा मॉइस्ट होती है, इसके आंखों के पास विष की ग्रंथि होती है, यहाँ पे नहीं, और ये सैलामेंडर है।
तो फ्रॉग, टोड और सेलामेंडर ये तीनों ही बिलोंग करते हैं किससे? तो आपको याद रखना है गाइस, किससे बिलोंग करते हैं? तो एम्फीबिया से। एम्फीबिया मतलब पानी और जमीन दोनों जगह पे रहने वाले जंतु। बरसात के मौसम में आपने देखा होगा इस तरह का जंतु ये पानी में तैरता रहता है और शाम को देखिएगा तो बाहर निकलकर भी टहलता रहता है। नेक्स्ट है हमारा रेप्टिलिया, सरीसृप वर्ग। इसमें जितने भी रेंगने वाले जंतु उनको रखा गया, क्रॉल करने वाले या क्रीपिंग एनिमल्स को रखा गया। इनके शरीर के हृदय में तीन कोष्ठ होते हैं या तीन कक्ष होते हैं, लेकिन एक को छोड़कर मगरमच्छ, तो सरीसृप के शरीर में तीन चैम्बर होते हैं लेकिन मगरमच्छ के हृदय में चार चैम्बर होते हैं क्रोकोडाइल को छोड़कर। ये भी अंडे देने वाले होते हैं और इसमें आ जाता है आपका सांप, छिपकलियां, मगरमच्छ और कछुआ। अब कितने लोग यहाँ पे ऐतराज करेंगे कि सर मगरमच्छ तो पानी पे में भी रहता है और जमीन में भी रहता है, तो इसको तो हमको रखना चाहिए था एम्फीबिया। आपने कहा कि एम्फीबिया में ऐसे जंतुओं को रखा जाता है जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहने के आदि होते हैं, तो मगरमच्छ भी तो पानी और जमीन दोनों जगहों पे रहता है, तो इसको आपने रेप्टिलिया में क्यों रखा गया रखा है? सांपों के साथ क्यों रखा है? सरीसृप वर्ग में क्यों रखा है? तो जब हम जंतुओं का क्लासिफिकेशन करते हैं तो किसी एक कैरेक्टर को देखकर बस ये नहीं कह देते कि वो उसमें रख देंगे, सिर्फ पानी और जमीन में रह रहा है उसके आधार पे हम नहीं कह देंगे कि ये एम्फीबियंस होगा। उसके ज्यादा कैरेक्टर किससे मिलते हैं उस आधार पे हम इसको किसी कैटेगरी में रखते हैं। तो जो मगरमच्छ है उसके ज्यादा कैरेक्टर सांपों से मिलते हैं, सरीसृपों से मिलते हैं, तो इसको कहाँ रखा गया है? रेप्टिलिया में रखा गया। तो सांप, छिपकलियां, मगरमच्छ, कछुआ किस क्लास में आएगा? रेप्टिलिया में आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है ईव्स, पक्षी वर्ग। इसमें सारे पक्षियों को रखा गया। इस वर्ग के जंतुओं में पंख होते हैं और चोंच होता है और इनका जो अग्रपद है ये फोर लिम्स, हम लोगों का फोर लिम्स है, ये रूपांतरित होकर क्या बना लिया है? पंख बना लिया है। तो इनका अग्रपद रूपांतरित होकर पंख बना लिया, तो पक्षियों का जो पंख है वो क्या है? मॉडिफाइड फोर लिम्स है, रूपांतरित अग्रपद है। ये हमारा फोर लिम्स हो गया हाथ, हैंड लिम्स हो गया पैर, तो फोर लिम्स मॉडिफाई होकर पंख में रूपांतरित हो गया। इस संघ के जंतुओं में जो हड्डियां होंगी वो खोखली होंगी। हम लोगों की हड्डियों में अंदर बोन मैरो होता है ना, ये बोन मैरो होता है, लेकिन इसकी हड्डियां खोखली होंगी और इन खोखली हड्डियों को हम लोग न्यूमैटिक बोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन। तो पूछा गया था कि न्यूमैटिक हड्डियां किस में पाई जाती हैं, तो पक्षियों में पाई जाती हैं जो उड़ने में मदद करता है। हड्डियां ठोस रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि उड़ने में प्रॉब्लम आएगी। और ये भी अंडे देने वाले होते हैं, ओवीपेरस मतलब अंडे देने वाले प्राणी को ओवीपेरस कहते हैं। एग्जाम्पल है कोलंबिया एस्ट्रूथियो मतलब कबूतर, तो इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे हम लोग तोता, मैना, कौवा, कबूतर। अच्छा लग रहा है लिखने में, लिख लीजिए आप लोग भी, तोता, मैना, कौवा, कबूतर सब इसी में आ जाएगा, ऑस्ट्रिच। और लास्ट हमारा जो क्लास है मेमलिया, जो हम लोगों का है, अस्तनी वर्ग। इसमें उन जंतुओं को रखा गया है जो बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, और बच्चों को जन्म देने वाले को वीवीपेरस कहते हैं। बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को स्तनपान करवाते हैं, दूध पिलाते हैं, यानी इसके पास मेमरी ग्लैंड्स होंगे, अस्तन ग्रंथियां होंगी बच्चों को नरिश करने के लिए। टू पेयर्स लिम्स होंगे, दो लिम्स होंगे,
फोर लिम्स हैंड लिम्स, और इनके स्किन पर बाल होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ईयर पिन्ना होगा, कर्ण पल्लव होगा, ये बाहरी कान को क्या बोलते हैं ईयर पिन्ना, ये सब इसके फीचर्स हैं। और इनके जबड़े में विभिन्न प्रकार के दंत होंगे, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन देयर जॉस। और वीवी पेरस मतलब बच्चों को जन्म देने वाले, बच्चों को जन्म देने वाले। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, वेल मछली नहीं है स्तनधारी है, डॉल्फिन मछली नहीं है स्तनधारी है, चमगादड़ पक्षी नहीं है स्तनधारी है, आदमी कुत्ता और गधा तो स्तनधारी है ही, आप जानते ही हैं। तो स्तनधारी वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। मेमलिया मतलब मेमरी ग्लैंड है बॉडी में, लेकिन कुछ मैमल इसके एक्सेप्शन है, जैसे ऑर्निथोरिंकस अंडे देने वाला स्तनी है, ये ओवीपेरस मैमल है अंडे देने वाला स्तनी, अंडे देने वाला स्तनी है। CAPF 2021 8 अगस्त को एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन, अब आप बताओ, अभी अभी एग्जाम हुआ था अगस्त में, जिसका एनालिसिस भी किया था मैंने, इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव नोटोकॉर्ड एट एनी स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, बता दो। तो देखो सैलामेंडर तो वर्टिब्रेटा का जंतु है, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश को बोलते हैं, एक्सोसीटस वर्टिब्रेटा है, हर्डमानिया आपने देखा ही था, होलोथुरिया जिसको सी कुकुम्बर कर रहे थे, सी कुकुम्बर ये कहां से बिलोंग कर रहा था, इकैनोडर्मेटा से बिलोंग कर रहा था, हर्डमानिया बताया है मैंने, हर्डमानिया भी पढ़ाया है, एक्सोसीटस भी पढ़ाया, सैलामेंडर भी पढ़ाया, लेकिन होलोथुरिया कहां है, सी कुकुम्बर याद है, इकैनोडर्मेटा का सदस्य था, और इकैनोडर्मेटा में नोटोकॉर्ड तो है नहीं, नोटोकॉर्ड कहां से आया, इकैनोडर्मेटा के नीचे है आपका कौन, हेमी क्वाड्राटा, उसके बाद है क्वाड्राटा, तो सही उत्तर आपका था ए। ठीक है जी जूही, गुड कंटेंट, हाँ बिल्कुल कंटेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, जो आपका लेवल है एग्जाम का ना वही लेवल हम दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट ऑर्गेन पार्ट डेट हेल्प इन लोकोमोशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इधर ऑर्गेनिजम्स हैं और उसका लोकोमोशन लोकोमोटरी ऑर्गेन है, तो कौन सही से मतलब मैच नहीं किया गया है। अभी अभी मैंने पढ़ाया कि स्टार फिश में जो लोकोमोशन होता है वो एक स्पेशल ऑर्गेन के थ्रू होता है जिसको ट्यूब फिट कहते हैं, पढ़ाया है ना, इकैनोडर्मेटा के सदस्यों में लोकोमोशन एक स्पेशल ऑर्गेन के थ्रू होता है जिसको ट्यूब फिट कहते हैं, नेरिस, नेरिस में लोकोमोशन बताया था पैरापोडिया के द्वारा होता है, देखो दिखाई देता हूं फिर से एक बार, नेरिस कहां था, बहुत पीछे जाना पड़ेगा मुझे, बहुत दूर जाना पड़ेगा, ये कहां चला गया, एनेलिडा, देखो ये नेरिस है, नेरिस में लोकोमोशन इस तरह से पैरापोडिया के थ्रू हो रहा था, पैरापोडिया के थ्रू हो रहा था, लेकिन ये क्या बोल रहा है, सीडोपोडिया के थ्रू, क्या बोल रहा है, सूडोपोडिया के थ्रू, तो ये गलत हो गया ना, सूडोपोडिया के थ्रू अगर बोल रहा है तो ये गलत हो गया, तो लोकोमोशन जो है वो किसके थ्रू होता है, तो सूडोपोडिया के थ्रू, ये गलत था, ठीक है ये गलत हो गया। तो देखना, और पैरामीशियम जिसको स्लीपर एनिमल क्यूल बोलते हैं, जो प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, ये चप्पल जैसा दिखने वाला प्राणी, स्लीपर एनिमल क्यूल, इसमें सीलिया के द्वारा होता है। और युगलीना जो एनिमल और प्लांट के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, उसमें फ्लैजिलम के थ्रू होता है। तो नेरिस में जो होता है लोकोमोशन, वो अभी बताया था कि पैरापोडिया के थ्रू होता है,
और यहाँ लिखा है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन अमीबा में होता है। सूडो का मतलब फॉल्स, पोडियम का मतलब पैर। तो गलत पूछ रहा था ना कि कौन ठीक से मैच नहीं है, तो आपका उत्तर यही हो गया। बाकी आप रट लेना। क्या रटना है आपको? कि यूग्लिना में लोकोमोशन फ्लैजिला के थ्रू, पैरामीशिया में लोकोमोशन सीलिया के थ्रू, नेरिस में लोकोमोशन पैरापोडिया के थ्रू, स्टारफिश में ट्यूब फीट के थ्रू। अच्छा क्वेश्चन बन रहा है ना, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। तो सही उत्तर था सी। क्या बात है, सारे लोगों ने सही उत्तर दिया। तो गाइस ये था हमारा एनिमल किंगडम, वो भी बहुत ही डिटेल में। मतलब हमने 11th की जो एनसीईआरटी थी उसका निचोड़ आपके सामने पेश किया है। तो अब आप क्या करोगे कि मन लगाकर इसको एक बार एग्जाम से पहले पढ़ लेना, ठीक है? तो क्वेश्चन एनिमल किंगडम से अगर होगा तो मुझे नहीं लगता है कि अब छूटेगा। किसी का कोई डाउट है तो अब आप पूछ सकते हो। किसी की कोई परेशानी है, दिक्कत है, कोई मन में दुविधा है, क्वेश्चन है, तो पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, वेलकम सत्यम जी, लक्ष्य शुक्रिया आपका भी बने रहने के लिए हमारे साथ। हमारा मकसद है कि आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए किसी भी कीमत पर। ए के वर्मा, जूही, किसी का कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेरी है तो पूछ ले, मैं अभी मौजूद हूं। थैंक यू वेरी मच लक्ष्य जी, आप लोगों की मोहब्बतें ही हमें अच्छे अच्छे सेशन लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे प्लांट किंगडम, फिर आप जो कहिएगा वही पढ़ा दूंगा। बताइए, आप लोग भी बोलिए। कोई मुझे जेनेटिक्स के बारे में कह रहे थे, तो जेनेटिक्स भी लेकर आऊंगा। कल शायद कोई कह रहे थे, मैंने ठीक से नाम नहीं देखा। कोई डाउट नहीं है, चलिए तो जेनेटिक्स भी पढ़ा दूंगा अगर आ रही है डिमांड। तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कल हम मिलेंगे 11 बजे केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस के साथ, कल 11 बजे और फिर शाम को 6 बजे ऐसे हम मिलते रहेंगे, आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।